क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंट्स इट क्रॉसेस हाफ द मैक्सिमम हाइट. इट इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड यू एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. स्पीड दे रखी है यू और एंगल दे रखा है थीटा. ठीक है, तो इसकी ट्रैजेक्टरी क्या होगी? ये होगी ट्रैजेक्टरी. ठीक है, ये ट्रैजेक्टरी होगी प्रोजेक्टेड विथ स्पीड यू एट एन एंगल थीटा. मैक्सिमम हाइट विल बी दिस, दिस इज मैक्सिमम हाइट. तो ये अपने मैक्सिमम हाइट के हाफ किन दो इंस्टेंट में होगी? यहाँ पे कहीं और यहाँ पे कहीं. दिस विल बी एच बाय टू एंड दिस ऑल्सो विल बी इक्वल टू एच बाय टू. ओके, तो इस इंस्टेंट के बीच पे पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? दैट इज द क्वेश्चन. तो इस साइड स्पीड क्या होगी? यू कॉस थीटा एंड वर्टिकली यू साइन थीटा. जब वो इस पॉइंट में पहुंचेगी तो उसकी जो भी स्पीड होगी, वी व्हाटएवर जो भी स्पीड होगी, इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सपोज अल्फा जो भी है, वी कॉस अल्फा, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू यू कॉस थीटा. ठीक है, कुछ वी वेलोसिटी होगी फाइनल और अल्फा एंगल बना रही होगी यहाँ पे प्रोजेक्ट, यहाँ पे ये एंगल अल्फा होगा इन वेलोसिटी का. तो दैट वी कॉस अल्फा यू कॉस थीटा के बराबर ही होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है. हर पॉइंट में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो सेम ही होगी. यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इतनी ही होगी आगे की तरफ, यू कॉस थीटा सेम होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए, जब वो यहाँ से यहाँ गई, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट ये वाला डिस्टेंस होगा. ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस, सपोज ये डिस्टेंस वो टी टाइम पे कवर करती है, उसे टी टाइम लगता है पॉइंट ए से लेके बी जाने में, उसे टी टाइम लगता है. तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा? यू कॉस थीटा इंटू टी. वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इंटू टाइम टी, राइट? तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये पूरा मैं इसे एक्स कह रही हूँ, ये जो डिस्टेंस होगा एक्स ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक जो डिस्टेंस होगा एक्स, दैट विल बी इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, राइट? सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज यू कॉस थीटा इंटू टी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. टाइम यहाँ से यहाँ जाने में कितना लग रहा है? टी लग रहा है. टी से टी कैंसिल, दैट इज यू कॉस थीटा. तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यू कॉस थीटा. ठीक है, मैक्सिमम हाइट के हाफ हाइट में नहीं भी होता तब भी एवरेज वेलोसिटी, यहाँ कहीं भी होता तब भी, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, तो भी वो एच बाय थ्री में हो या एच बाय टू में हो या एच बाय फोर में हो, एवरेज वेलोसिटी उसकी हमेशा उतनी ही रहेगी. ठीक है, बिकॉज दैट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन टाइम, सॉरी दैट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन हाइट. एवरेज वेलोसिटी हाइट पे नहीं डिपेंड कर रही. कितनी आ जाती है एवरेज वेलोसिटी? वी एवरेज कम्स आउट टू बी यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टली. क्वेश्चन नंबर फोर, अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विथ यूनिफॉर्म स्पीड. शो दैट द बॉम्ब विल एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द प्लेन. इज द स्टेटमेंट ट्रू इफ द प्लेन फ्लाइज विथ यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट हॉरिजॉन्टली. पहला केस लेते हैं जब वो हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली जा रही है. ठीक है,
दिस इज अ प्लेन एंड इट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ सम स्पीड लेट्स से यू, ठीक है. जब इसने बॉम्ब ड्रॉप किया, अभी बॉम्ब इसी के साथ ही है, जैसे ही इसने बॉम्ब ड्रॉप किया तो बॉम्ब की भी आगे की तरफ इनिशियल वेलोसिटी होगी यू ड्यू टू इनर्शिया, राइट. आफ्टर सम इंस्टेंट बॉम्ब का जो ट्रेजेक्ट्री होगी बॉम्ब की वो थोड़ी ऐसी होगी, बॉम्ब ऐसे गिरेगा. बॉम्ब के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है यू और वर्टिकल डायरेक्शन में इस इट इज एक्सेलरेटेड. वर्टिकल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है जी. जब बॉम्ब यहाँ कहीं होगा तब भी इसकी आगे की तरफ स्पीड यू ही होगी, यहाँ होगा तब भी उसकी आगे की तरफ जो स्पीड है वो यू ही होगी, ठीक है. ये जो डिस्टेंस बॉम्ब ने यहाँ से यहाँ तक कवर किया यू टी वन, ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर किया यू टी टू, सेम टाइम में इसने जो डिस्टेंस कवर किया यू टी वन, सेम डिस्टेंस यू टी टू, मतलब कि दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक साथ सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं. बॉम्ब हमेशा एरोप्लेन के नीचे ही है, जब ये यहाँ पे आए या जब ये यहाँ पे रहे. बॉम्ब इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड ऑफ एरोप्लेन. तो बॉम्ब जो है वो एरोप्लेन के नीचे ही, एरोप्लेन से वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्सप्लोड होगा, ठीक है. सेकेंड पार्ट क्या है, इज द स्टेटमेंट ट्रू इफ द प्लेन फ्लाइज विथ यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट हॉरिजॉन्टली. तो सपोज प्लेन की जो स्पीड है वो ऐसी है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टली, तो आगे की तरफ इसकी वेलोसिटी होगी यू कॉस थीटा और ऊपर की तरफ इसकी वेलोसिटी होगी यू साइन थीटा. एट दैट इंस्टेंट जब हम बॉम्ब को ड्रॉप करेंगे तो बॉम्ब के पास भी दो वेलोसिटी होगी, एक आगे की तरफ होगी दैट विल बी इक्वल टू यू कॉस थीटा और एक ऊपर की तरफ होगी दैट विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा. बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में बॉम्ब का एक्सेलरेशन होगा नीचे जी, ठीक है. तो ये स्पीड तो इसकी चेंज होगी वर्टिकल वाली, बट क्या उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड चेंज होगी? नहीं होगी. हॉरिजॉन्टली ये जितना डिस्टेंस कवर करेगी एरोप्लेन उतना ही डिस्टेंस बॉम्ब भी कवर करेगा. टी टाइम के बाद अगर बॉम्ब यहाँ पे इस इतना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली सपोज कवर किया बॉम्ब ने तो एरोप्लेन भी टी टाइम के बाद उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी. इसकी ट्रैजेक्टरी कैसी होगी? कुछ इस टाइप की. और ये प्लेन, प्लेन हमेशा बॉम्ब के ऊपर ही रहेगी, ठीक है, चाहे बॉम्ब यहाँ हो चाहे यहाँ. तो इन बोथ द केसेस बॉम्ब विल एक्सप्लोड वर्टिकली डाउनवर्ड. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. A boy standing on a long railroad car throws a ball straight upwards. The car is moving on the horizontal road with an acceleration of 1 meter per second square and the projection velocity in the vertical direction is 9.8 meter per second. How far behind the boy will the ball fall on the car? So, this is a car. It is moving forward with acceleration 1 meter per second square and let's say इसकी initial velocity v है, कुछ v velocity से ये आगे move कर रही है, ठीक है. At the instant when it begins to accelerate, not when it begins to accelerate, suppose जिस instant पे यहाँ पे बॉय ने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका उस इंस्टेंट पे इस कार्ट की वेलोसिटी कुछ वी है मान लो, तो बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी? बॉल की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी? तो बॉल की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी आगे की तरफ वी, ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया. और वर्टिकली अपवर्ड उसने बॉल को फेंका 9.8 मीटर पर सेकेंड से,
this is the motion of ball, sorry, this is the velocity of ball with respect to the ground. After the car is moving on a horizontal orbit and the projection velocity is, how far behind the boy will the ball fall on the car? तो बॉल वा बॉल का जो ट्रेजेक्ट्री होगी बॉल की वो ऐसी होगी. तो देखते हैं कि बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है. कितना टाइम लगेगा बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने में? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, राइट? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय u square sin square theta by 2g. So that will be equal to 9.8 into sin square theta. कोई जो भी theta हो sin square theta divided by 2g into 9.8. So this will be equal to 4.9 sin square theta. इतना time लगेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. अ स्टेयरकेस कंटेन्स 3 स्टेप्स ईच 10 सेंटीमीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर वाइड. व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल रोलिंग ऑफ द अपर मोस्ट प्लेन सो एज टू हिट डायरेक्टली द लोएस्ट प्लेन. सो u को आगे की तरफ क्या स्पीड दी जाए, क्या मिनिमम स्पीड दी जाए कि वो विदाउट टचिंग दीज कॉर्नर्स वो थर्ड स्टेयरकेस पे लैंड कर दे. ठीक है. दिस इज द क्वेश्चन. दिस इज 0.1 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 0.1 मीटर, ऑल्सो 0.1. देन दिस इज 0.4 मीटर. ये 0.2 और ये 0.2 है ना, 20 सेंटीमीटर वाइड. व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल रोलिंग ऑफ द अपर मोस्ट प्लेन सो एज टू डायरेक्टली हिट द लोएस्ट प्लेन. हमें क्या निकालना है, देखो मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालना है. मिनिमम वेलोसिटी हम ये चाहते हैं कि ये डायरेक्टली यहाँ पे आए. डायरेक्टली यहाँ पे कैसे आएगा ये विदाउट हिटिंग दिस? और जब इसकी मिनिमम वेलोसिटी होगी तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो कुछ ऐसी होगी, जस्ट इसको टच करके जाएगा. मिनिमम में क्या होगा, जस्ट इसके जस्ट इसे टच करके जाएगा. दैट विल बी द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. तो इन दैट केस हमारी ये रेंज कितनी हो जाती है, दिस डिस्टेंस ये हो जाता है 0.4 मीटर एंड हाइट इज 0.1 मीटर प्लस 0.1 मीटर. तो टाइम कितना लगेगा इस डिस्टेंस में? तो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में बॉल की है 0, एक्सेलरेशन है जी एंड डिस्टेंस टू बी कवर्ड टिल द टाइम, टिल दिस टाइम डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज 0.2 मीटर, 0.2 मीटर. सो टाइम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो. दिस इज 0, टी इज इक्वल टू 2s by a under root, that is 2 into 0, that is 0.4 by g under root. This is the time. इस time में इसे इतना distance cover करना है. ठीक है, तो कितना हो जाएगा distance covered, कितना हो जाता है u into t, इतना होगा and it has to cover 0.4 meter. So it will be u into t, that is 0.4 divided by g is equal to 0.4 meter. So u will be equal to under root of g into 0.4. इतना ही होगा, g यहाँ पे जाएगा, 0.4 यहाँ पे, ये हो जाएगा, that is equal to root 4 approximately, that is equal to 2 meter per second. Okay, so initial velocity क्या होनी चाहिए, 2 meter per second.